धूप क्यों नहीं जला रहा यहाँ पे? क्यों आदत नहीं ना मैं। नहीं है तेरी आदत? कब बन तेरा आदत है? लौट चलो। अच्छा ये जैन सी जगह थी धूप। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आपका आज आप मैंने पूजा करी है आज अपने यहाँ पे ठा में अपने पितृ देवताओं की। तो ये हमारे जो उत्तराखंड का जो हमारे मतलब पितृ देवता हैं वो ये ठा है। यहाँ पे जब हम ही घर आते हैं तो क्योंकि यहाँ पे जेंट्स लोगों के लिए ही अलाव है पूजा करना, दिया जलाना, धूप जलाना जेंट्स लोगों के लिए अलाव है। यहाँ पे जो ये ठा है हमारा, इसको छेड़ते भी नहीं है। जब एक बार स्नान करके लेते हैं तो हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो इसमें जब हमारे लोग आते हैं घर में, या नवीन तो करता नहीं है, लेकिन जब मैं आता हूँ तो मैं पूजा जरूर करता हूँ, दिया जलाता हूँ। तो पूजा करिए यहाँ की। तो जय पितृदेवताओं की, हमारे पूरे परिवार पे अपनी छाया माया बना के रखना। जाओ बुला के आओ। बस जा रहा हूँ। क्या तूने ये कपड़े पहने? दोस्तों अब जा रहा हूँ मैं खाना खाने के लिए। खाना खा लेते हैं। ऐसे दिखाओ शाबाश। अरे रुद्रु, अरुण रे नाम ही ठीक नहीं यार। एक रुद्रु यार तो मर माँ की कसम है ना। रुद्रु रुनाड़ कहा ना। बुल्ला को ले जा रहा अपने साथ? बुल्ला को ले जा दिल्ली। ठीक है ले जा बुल्ला। ये मैं हूँ, मेरा नाम काना है। ये मेरी मम्मी है। हाँ ये मम्मी नाश्ता कर रही है। हाँ आज सोमवार भोले बाबा का दिन है। तो जय भोले बाबा की, आप सब पे भोले बाबा की कृपा बनी रहे दोस्तों। पहाड़ी मक्की बनाई जा रही है और मक्की भूनी जा रही है हमारे लिए। तो दोस्तों आप इस मक्की को भूनेंगे और इस मक्की को भून के खाई जाएगी सौंधी सौंधी आग में और सौंधी सौंधी खुशबू के साथ। और यहाँ पे ऊपर दाल भी रखी हुई है उबालने के लिए। और अभी आग भी आज कम हो रखी है इसमें, बाहर लगी हुई है बारिश, सौन के महीने की बारिश। और जेठी है मक्की छील रही है, जो अच्छी अच्छी मक्कियाँ होंगी उनको तोड़ रही है। जेठी किस में कीड़े होंगे फेंक देना उनको ना। हाँ खराब हो रखी है दोस्तों, कुछ मक्कियाँ खराब हो रखी है दोस्तों। इस बार मक्की का जो है, इस तरह की मक्की हुई है हमारे उत्तराखंड में, मक्कियों का कुछ विकास मतलब सॉरी विकसित नहीं हो पाई अभी ढंग से। कुछ कच्ची रह गई हैं, कुछ मक्खियों में कीड़ा भी लग गया है। तो इसकी वजह से मतलब अभी ये तो ठीक है, लेकिन कुछ मक्खियों में कीड़े भी लग गए, काली हो गई है मक्खी। तो दोस्तों अभी मक्खी भुन जाएगी तब दिखाएंगे आपको उसका कलर। इसकी बार पलटा दिया आपने तो अबकी बार मक्खी काफ़ी साल बाद गाँव में मक्की के टाइम पर आए हुए हैं तो मक्खी खाई जा रही है। और बाहर आपको पता है जब बता दिया, जैसे कि मैंने बाहर भी लगी हुई है सौन के महीने की बारिश। सौन का महीना तो ख़त्म हो गया हमारे गढ़वाल में, लेकिन लगी हुई है बारिश। और आज काफ़ी दिन बाद बारिश लगी है, जब से हम गांव आए हैं 3-4 दिन के बाद लगी है आज बारिश। और कोहरा भी लग गया है बारिश का, तो इस कोहरे के लगने की वजह से बारिश आज मुझे लगता है कि दिन भर रहेगी। तो जेठी को मैं बोल रहा हूँ कुछ गाना वाना गा दो। तो जेठी गाना गाने को तैयार नहीं है, सिर्फ हंसी जा रही है लेकिन गाना बिल्कुल नहीं गा रही है। खाई जा रही है। हाँ पता नहीं क्या खा रही है जेठी, सौंफ खा रही है, सुपारी खा रही है, कुछ पता नहीं जा रहा। पता नहीं कहीं गुटका उटका तो नहीं खाती जेठी? जेठी के दांत भी नहीं है, पता नहीं क्या लल बल्ला ची रही है। कभी यहाँ डाल रही, कभी उस गाल में डाल रही, पता नहीं क्या खा रही है जेठी। जेठी को एक आज जेठी बढ़िया सा गाना सुनाएगी ना, पुराने जमाने का ना। तो दोस्तों आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहें। तो दोस्तों आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहें, आशा करते हैं कि आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। और आप अगर देखते हैं हमारे ब्लॉग, देख भी रहे हो अभी इस टाइम भी आप हमारा ब्लॉग देख रहे हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
दोस्तों मैं अभी गांव आता हूँ तो कुछ भी काम नहीं करता हूँ। सच बताऊँ चाची, मैं कुछ काम करता हूँ गांव आके? मैं कुछ भी काम नहीं करता, मैं सिर्फ वीडियो बनाता रहता हूँ, गालियाँ सुनता रहता हूँ सबकी। सब बोलते हैं कि वीडियो बनाता रहता है, फ़ोन पकड़े घूमता रहता है, वीडियो बनाने में टाइम वेस्ट कर लेता है अपना और काम नहीं करता कुछ भी। तो मैं दोस्तों घर में आके कुछ भी काम नहीं करता, बस वीडियो बनाने का काम है मेरा, और आपको आपके लिए आपके इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो भी तो शूट करनी है। जेठी कुछ बोल रहे हो क्या? जेठी हो रखी है बिल्कुल गुस्से में आज, और कमरे के अंदर धुआं भी हो गया। गांव का मौसम तो मस्त ठंडा हो रखा है। ये मक्की फर्स्ट क्लास कलर की हो गई है मक्की, ये देखो कितनी अच्छा कलर आ रहा है मक्की का। ये परेशान सीटी नहीं मारा जेठी, परेशान सीटी नहीं मारा तो सीटी मारना, दाल उज जाएगी। सीटी मारो क्यों करे, ऐसे सीटी मारो तो दाल पता चल जाएगा ना, दाल उजीगी नहीं हमारी। ला मैं मारता हूँ फूक, तो चाची फूक मारता हूँ मैं, लकड़ियाँ गीली हो गई ना, छोटी लकड़ियाँ ले गया। और यहाँ बचे हुए हैं टमाटर, और ये है देसी आलू और देसी टमाटर, और ये घर के प्याज हैं, और ये चावल का कट्टा है, और ये कमरे के अंदर फिर धुआं हो गया है हमारा, और ये मक्की है जो जेठी छीले जा रही है मक्कियों को। अब इसमें से फटाफट ये जल तेज हो जाएगी छोटी लकड़ियाँ जलाने से, क्योंकि बड़ी बड़ी लकड़ियाँ तो आली हो गई हैं, बाहर लगी हुई थी बारिश। और कहते हैं कि जिसकी सास मर जाती है उसको फूक नहीं लगती, उसकी फूकने से मैं देखता हूँ मेरी सास जिंदा है कि नहीं है। तो दोस्तों मेरी सास बची हुई है क्योंकि मेरे फूकने से आग एकदम से जल गई। पुराने लोगों में कहावत थी कि फूक मारने से अगर जो जिसकी फूक से आग जल्दी जल जाती है तो उसकी सास जिंदा रहती है, तो चाची की सास तो है नहीं अभी। देख रहे हो पहाड़ का जीवन कैसे कैसे हो रखा है, आदमी लगा हुआ है अपने काम धंधे पे, कोई कैसे परेशान है कोई कैसे परेशान है। अब बाहर बारिश लग गई तो लोग जो खेतों में जा रखे हैं, तो बाहर बारिश लग गई जो लोग खेतों में जा रखे हैं उनको भी परेशानी, बार बार भीग, क्योंकि मैं भी गया था अभी तो मैं भी भीग गया, थोड़ा से भी चल रहे तो भीग जा रहे, कपड़े आगे चेंज करने पड़ रहे, मैं तो नहीं करे चेंज, सूख गए कपड़े मेरे। तो दोस्तों ये सुंदर सी मुंगरी पक गई हमारे, ये देखो कितना अच्छा कलर आ रखा है, गोल्डन कलर, और देखो कहीं पे ज़्यादा जल गई, ये ज़्यादा टेस्टी होगी जब ज़्यादा जो ज़्यादा जल रखी है, और इसमें से निकला देखो धुआं, देख रहे हो। तो दोस्तों इसको खाते हैं। तो दोस्तों ये पन गई है मक्की, और ये ऊपर अपने बुजुर्ग लोगों को देते हैं, वो भी सारे लगे हुए हैं मक्की के, उनको दे के आता हूँ मक्की ऊपर। बारिश भी लगी हुई है, पता चल गया कि मोबाइल भीग गया। मुंगेर खाने तुम आप नहीं खा रहे, ससुर का ही फिर तो नहीं खाना, माँ का गया मान ताल नहीं। दोस्तों मक्की हमने खा ली है, और इसके बाद अब आपको दिखाता हूँ कि गाँव की मैं मतलब बारिश के बाद कैसा मौसम दिखता है यहाँ, कैसा व्यू दिखता है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्लीज़ आप ऐसे ही कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहे, मैं एकदम से फ़ोन घुमाने वाला हूँ, आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। ये देखिए कि बारिश के बाद कोहरा लग जाता है गाँव में, और ऐसा व्यू दिखता है, सुंदर सा व्यू, ये देखिए। ये देखिए बंदर चूना छिन, गांव का जितना वीडियो बनाओ उतना कम है। इस साइड देखिए, ये भी हमारे दूसरे दादाजी का घर है, ये देखिए इस साइड देखिए, तो देखा आपने कितना सुंदर व्यू है। औसम औसम दोस्तों,